मैं एक गल अपनी समझाना चाहता मैडम, किसान अजकल पहले वर्गा कोई सीधा साधा किसान नहीं है। अजकल का किसान बड़ा चतुर है, वह सरकार नूं अपनी उही फसल वेचदा वा जिहड़ी उहदी घटिया हुंदी है। मैडम जिहड़ी फसल उहदी अच्छे लैवल दी हुंदी है वह मार्केट दे वधिया रेटां ते वेचदा। ये वापस ले जा रहे रस्ता बंद करी बैठे है, बहुत बुरी गल है। इन्हां नूं कुटणा चाहीदा इस वेले। क्यों इदां क्यों कह रहे हो? क्योंकि ये डिजर्व करदे है इस वेले। इन्हां दीआं पहलीआं तिन मंगां मंग लईआं गवर्नमेंट ने, बस उह काफी है। ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਫਾਲਤੂ ਲੱਗਦੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਦ ਮੰਨ ਦੇਣਗੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਫੂਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਘਟੀਆ ਕਣਕ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। किसानों को चाहिए कि सरकार के साथ कोऑपरेट करके अपने घर वापस चले जाना चाहिए ताकि आम जनता लिए परेशानी ना पैदा करन। किसानों के जो धरने पर बैठे सानू हर चीज़ महंगी मिल रही है। बाजार तुम सब्जियों के रेट देख सकते हो मैडम, टमाटर 100 रुपये किलो हो गया। हर चीज़ इदा ही जी रोज़मर्रा की है, उन्होंने रेट वध रहे, सानू किसानों के धरने का की फायदा हो रहा? मैं एक उपभोक्ता हैगा, जिहड़ा बंदा हर एक चीज़ बाजार चो खरीद के लै रहा, और सानू मैनू नहीं लगता कि सानू किसानों के धरने देने का कोई फायदा होया। सरकार जो किसानों की खेतों उत्ते गड़े पैंदे आ मैडम, सरकार ने कोई इंश्योरेंस नहीं किया हुंदा, बट फिर भी किसानों नू राहत दिंदी है ना, उन्हां दे नाल खड़ी हुई है। जे वो एक चीज़ वो मंग रहे कि जिहड़ी गरंटी का मतलब हुंदा मैडम कि श्योरिटी, श्योरिटी देना मेरे कहन के मुताबिक के बहुत ही मुश्किल है मैडम। देखो मैं ना ही PM और ना ही CM है, मैं एक उपभोक्ता, ठीक है ना, होर दसो। और मैं नहीं चाहता कि आम व्यक्ति नू कोई परेशानी उठानी पवे। तुसी देखा होगा किसानों ने रेलवे के उत्ते धरने दिते, रेल ट्रैक जाम किए, लोगों नू कितनी परेशानी हुई। मैडम सच पुछो तो मैं मोदी सरकार जी के 3 जिहड़े किसान रद्द कानून रद्द किए ने, जिन्हां नू किसान काला कानून कह रहे थे, बड़े धरने दे रहे थे मैडम, वो कितने ना कितने आम उपभोक्ता और तुहाडे और साडे हक्कां दे विच ही नेगे। कि जिस तरह भाई साहब ने कणक की गल की है, कणक किसानों वालों गंदी नहीं बेची जाती ना, गौरमेंट इन्नी गंदी कणक खरीदती है। ये कणक गौरमेंट के गोदामों के 5-5, 10-10 साल तक पई रही है, जिन्हें मीह पैंदा, जिन्हों कीड़े खा जाते हैं, ये वो फिर जी नहीं विकती, वो मिली भुगत के नाल ये अगे वंडी जाती है। अज भी डीपों से कणक वंडी जाती, सब कुछ होता, बट किसान ना तो गंदी कणक बेचता, किसान ने गंदी कणक कितों लियानी है? जिहड़ी रही किसानों की गल, उपभोक्ता की गल, आम पब्लिक नूं जिहड़ा है ये टमाटर नाल महंगे होना कोई संबंध नहीं है। पार्टी तो उपर उठ के सानू सोचना चाहिए कि आम लोगों वास्ते कि चीज़ सही है, कि चीज़ गलत है। पहला भी इन्होंने कहा भी MSP असीं लावांगे, लागू करांगे, MSP तो लागू ही है। जे लागू ही है तो फिर कानून बनाने की इतराज है? जिन्हां नूं ये कानून सही नहीं लगते वो तो ही रौला पाते, उत्थे 700 बंदा मर गया, वो कोई पागल थोड़े सीगे? कौन बंदा अपने घर नहीं जाना चाहता? किसी का दिल करता ठंड च रहे, किसी का दिल करता गर्मी च रहे, किसी का दिल करता भी अपने घर मैल छड़ के तपना दे समय। जिहड़ी इत्थे ब्लैकमेलिंग हो रही है वड्डे लैवल ते, मिनिस्ट्री लैवल ते, सारियां ये गौरमेंट चोर रली हैं, अकाली BJP और कांग्रेस ये तीनों ही रले हुए ने। UP तो लिया के जिहड़ी है झोना वो पंजाब वेचा जाता है, उतों 800 रुपये खरीद के इतने 1200-1500 वेचा जाता है। उसके कमीशन गौरमेंट की भी होंगी है, ट्रक किमें ट्राले किमें वड्डे वड्डे भर के पंजाब आ जाते हैं UP तो। ये जो सियासी बंदे होंगे इन्हों की कोई जबान नहीं होंगी, कदों थुकते ने कदों चट लेंगे इन्हों का कोई पता नहीं। मोदी साहब तो तुहानू पता ही है किन्नी वारी थुकया किन्नी वारी चटिया उन्होंने, उन्होंने मोदी साहब ना तो कन्ना तो सुनता ना मूँह तो उन्होंने बोलना पता की कहना, तो उन्होंने अन्ने बोले हुए हुए सी। नमस्ते, सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो द सिटी हेडलाइन, ते मैं तुहाडे नाल दीप्ति शर्मा। यूनियन कैबिनेट वालों 3 खेती कानूनों रद्द करन दा जिहड़ा बिल जिहड़ा रखा गया सीगा उहदे विच अपरूवल मिल गई है,
तो अज आप इतने लोगों गलबात करन आए हैं कि जेडे किसान अंदोलन इन्ना संघर्ष जो एक साल तो चल रहा है वो उत्ते हूँ उन्होंने कितने ना कि कामयाबी मिल चुकी है। तो हूँ किसानों का यह कहना है कि जी MSP गरंटी दे लिते बगैर वह जड़ा अंदोलन छड़ के नहीं जाएंगे, अपने पंजाब जड़ा वापस नहीं मुड़नगे, अपने घर वाल नहीं मुड़नगे। तो इतने आप लोगों गलबात करके जानेंगे कि उन्हों का की कहना है कि किसानों हूँ करे लौट जाना चाहिए कि उन्होंने MSP की गरंटी में लैके ही जाना चाहिए। तो ये तो आप लोगों की ही गल सुनते हैं कि उन्हों का की कहना है कि किसानों जाना चाहिए वापस हूँ अपने घर मुड़ जाना चाहिए, इन्नी की सफलता काफ़ी है कि उन्होंने MSP की गरंटी जी लैके ही जाना चाहिए। सत श्रीकाल सर। सत श्रीकाल जी। नाम सर तुहाडा? रजिंदर सिंह भाटिया। सर, तीन खेती कानून के जेड़े यूनियन कैबिनेट वालों अपरूवल दे दिता गया है कि जेड़े उन्होंने बिल जो पास कर दिया गया है, तो हूँ जेड़े किसान संघर्ष लड़ रहे थे एक साल तो उन्होंने कहना सीगा कि MSP की गरंटी लिते बगैर वो घर नहीं जाएंगे, घर नहीं मतलब इदा बिना पूरी जी जी गरंटी ना दी जाए तो उस तो बगैर आप नहीं जावे। तो कहना है कि उन्होंने घर परत जाना चाहिए कि हजे रुकना चाहिए? देखो जी, उन्होंने घर परतना नहीं चाहिए, उन्होंने उन्नी देर बैठे रहना चाहिए। जिन्हें देर उन्होंने लिखती ये बयान नहीं देंगे भी तुम ताे कानून जोड़े ने असी लाए सी ताे तो ये वापस करते रहे आ चिट्ठिया ताडा कानून उत्थे जाके पास हो गया, फिर वो घर जान उन्नी दिन। ये जोड़े सियासी बंदे होंगे इन्हों की कोई जबान नहीं होंगी, ये कदों थुकते ने कदों चट लेंदे इन्हों का कोई पता नहीं, भावें कोई भी सियासी बंदा हो सकता। मोदी साहब तो तुम्हें पता ही है किन्नी बारी थुकया किन्नी बारी चटिया उन्होंने, तो इस करके किसानों वापस नहीं जाना चाहिए। जिते साल डेढ़ साल आप इन्ना समा लाता बैठे परिवार छड़ के शहीदियां भी करा लिया, हुण शहीदियां तो बाद असी छोटी जी गल ते होर 10 दिन देख लिए, महीना देख लिए, 2 महीने देख के जो सानू लिखती आ गए फरमान भी आ मैं ताडे कानून तैनों वापस करते ने, तो फिर उन्होंने जाना चाहिए, उदू पहला उन्होंने जाना नहीं चाहिए। जिदा इन्होंने गल की है कि जेडे आ जेडे तीन खेती कानून आ रद्द कर दिए गए, तुहानू लगता है कि कितने कितने फिर यह वापस लैके आए जा सकते हैं जिस हिसाब नाल कि अजकल इलैक्शन का माहौल बनया हो विधानसभा के इलैक्शन भी आने वाले ने? मैं तुहानू दस्सिया भी ये जेडे सियासी बंदा हुंदा ना, सियासी कोई भी हो सकता, तुसीं भी हो सकते, मैं भी हो सकता, सामने हो भी हो सकते, इन्हां दी कोई जबान नहीं हुंदी, ये बिना जबान तो होंगे, ये थुकते ने आप ही थुकते ने आप ही चट लेंदे ने, इन्हां दी मजबूरी बन गई। उधरों इलैक्शन आ गई, उधरों इलैक्शन आ गई, तो इन्होंने बाबे नानक दा मुद्दा लैके भी चलो हुण धन धन श्री गुरु नानक देव जी का जन्म दिहाड़ा आ गया, शहीदी आ गया, गुरपुर आ गया, तो असी इन्हों कानून वापस लैके तो बहाना मिल गया उन्होंने, मोदी साहब नूं बहाना मिल गया। वो सी उन्होंने मोदी साहब नूं ना तो कन्ना तो सुनदा ना मूँह तो उन्होंने बोलना पता की कहना, तो उन्होंने अन्ने बोले हुए हुए सी, वो अपनी ताकत वो अपने नशे दे विच अन्ने बोले हुए सी, तो इन्नियां शहीदियां तो बाद भी उन्होंने अपने कानून वापस नहीं लई। पर उन्होंने देखा भी हुण साल डेढ़ साल हो गया इन्हों का किन्ना नुकसान भी हो गया, पर पिछे मुड़न का ना नहीं लेंदे, फिर उन्होंने एक मजबूरी बन गई, मजबूरी बनन करके ही उन्होंने सारा कुछ किया, उदा नहीं किया। सर, MSP की जी MSP की गरंटी के बगैर लिते किसान कह रहे कि आप वापस नहीं जाना, ये तो कहना ये वापस नहीं जा रहे रस्ता बंद कर ही बैठे है, बहुत बुरी गल है, इन्हों कुटना चाहिए इस वे। क्यों इदा क्यों कह रहे हो? क्योंकि ये डिजर्व करते हैं इस वे, इन्हों पहलियां तीन मंगा मंग लिया गवर्नमेंट ने, बस वो काफ़ी है। पर सर कितने कितने संघर्ष ये गल का भी सी कि MSP की गरंटी दी जाए, जब तक पूरा संघर्ष नहीं लड़ते तो वह तक तुम कि कह सकते कि किसानों इदा होना चाहिए उन्होंने नाल? गल है रस्ता रोकना कोई वे आउट नहीं है। इन्होंने केड़ा पूरी इन्होंने केड़ा पूरा दिल्ली का जो रस्ता रोकया, उन्होंने सिर्फ एक एरिया रखा हुआ जिद एक साल तो जब बैठे ने तो थोड़ा होर देर बह जाएंगे तो कुछ जाता तो नहीं? इतों दिल्ली जाने 2 घंटे फालतू लगते, अच्छा सिर्फ इस करके रस्ता बंद। अच्छा जी, मतलब कहना कि किसानों वापस चल जाना चाहिए, इतने रुकना नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। पर सर फिर भी कितना कितने ये तो जंग के हार हो जाएगी कि इन्ना संघर्ष के हार हो जाएगी कि एक साल तो जो संघर्ष चल रहा है जे किसान इदा ही मुख मोड़ के चल जाएंगे तो कितने कितने हार नहीं हो जाएगी? बहुत सारिया गवर्नमेंट ने जगह बनाई जिते बह के सत्याग्रह होंगे, उन्होंने तो जाके सत्याग्रह कर। इन्ना भी कि रश होंगे जिन्ना कि आप रिपोर्टा के अनुसार जो जाइए तो इन्ना भी रश नहीं लगता दिल्ली से, तो आम भी सड़क से दुगना ही रश होंगे इस वे कार नहीं जा सकते दिल्ली। हाँ जी, तुम कदों गए सर लास्ट टाइम दिल्ली? मैं हूँ ही हो गया है। वो तो रश तुम नजर आया 2 घंटे फालतू लगते हैं, मैं दसा था तो मतलब हम तुम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करे कि किसान उत्थे रुकन? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है सर। सत श्री अकाल मैम। की नाम सर? संजीव कुमार भारद्वाज।
सर MSP की गरंटी के बगैर किसान कह रहे थे घर नहीं जाना, ये तो कहना है? देखो मैडम, गरंटी जेकर सरकार इस वाजिब समझेगी तो जरूर गरंटी देगी, जेकर सरकार पब्लिक के हितों में नहीं समझती तो सरकार इस गल की गरंटी नहीं देगी। मैं सोचता जेकर किसानों को चाहिए कि सरकार के नाल कोऑपरेट करके अपने घर वापस चले जाना चाहिए ताकि आम जनता लिए परेशानी ना पैदा करन। हो सर जिदा कितने ना कि एक साल का जो संघर्ष चलिया है तो किसान जो थोड़ी देर होर उ बैठ के अपनी जे गल जी मनवा सकते सरकार को जो थोड़ी देर होर रुक जाएंगे तो कुछ ज्यादा तो नहीं? मैडम जान का सवाल नहीं होंदा कि किसानों का कुछ जाता नहीं, पर ये आम उपभोक्ता बहुत परेशानी हो रही है। किसान जिस अपने हकों वास्ते लड़ रहे हैं कि असी चाहते हैं कि आम उपभोक्ता भी चाहता वै कि उन्होंने किसानों के जी जिनसा उगाते उन्होंने सही और वाजिब रेट से मिलन। किसानों के जो धरने पर बैठे सानू हर चीज़ महंगी मिल रही है। बाजार तो सब्जियों के रेट देख सकते हो मैडम, टमाटर 100 रुपये किलो हो गया। हर चीज़ इदा ही जी रोज़मर्रा की है, उन्होंने रेट वध रहे, सानू किसानों के धरने का की फायदा हो रहा? मैं एक उपभोक्ता है जिहड़ा बंदा हर एक चीज़ बाजार चो खरीद के लै रहा और सानू मैनू नहीं लगता कि सानू किसानों के धरने देने का कोई फायदा होया। पर सर कितने कितने जे किसान धरने ना देंदी तो शायद 3 जड़े खेती कानून रद्द ना होंगे, पर तुहानू की लगता जी जे किसान घरे चल जाएगी तो कित MSP की गरंटी उन्होंने मिलेगी? क्योंकि बिना घरे बैठे तो कुछ नहीं कर सकते जिन्ना वो अंदोलन तो कर सकते। मैडम MSP का मतलब होंगे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो तो सरकार हरदम न्यूनतम समर्थन मूल्य हर साल तय करती आ रही है, ये तो कोई शक वाली गल नहीं है। जो भी किसानों लगता है कि गन्ने की फसल साड़ी घट रेट पर जा रही है तो सरकार हस्तक्षेप करके गन्ने का रेट तय करती है, इदा ही अनाज का रेट तय करती है। जो किसान ने अपने आलू सट्टे सड़कों के उत्ते सरकार ने आलू का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया, पर गरंटी जी मंग रहे मैडम, गरंटी देना बहुत मुश्किल होंगे। पर सर फिर भी कितने कितने उन्होंने भी नुकसान होंगे होना, कितने कितने वो भी दिक्कतों का सामना कर रहे करे अगे जाके उन्होंने लगता होगा, ता ही कितने ना कि अपनी MSP की गरंटी मांग रहे हैं। सरकार जो किसानों के खेतों उत्ते गड़े पेंदे है मैडम, सरकार ने कोई इंश्योरेंस नहीं किया होंगे, बट फिर भी किसानों राहत देती है ना, उन्होंने नाल खड़ी हुई है। जो एक चीज़ वो मंग रहे हैं कि जी गरंटी का मतलब होंगे मैडम कि श्योरिटी देना, मेरे कहने के मुताबिक के बहुत ही मुश्किल है मैडम। होर BJP वालों PM मोदी वालों जो गुरपुरब के दिन ऐलान किया गया कि आप जो 3 खेती कानून है वो रद्द कर देंगे, फिर वह MSP की गरंटी का भी तो ऐलान कर सकते जो उन्होंने इन्ना ही फ्यूचर प्लैनिंग का सोचा होया किसानों के जो हित है तो MSP लैके भी कुछ सोच सकते हैं? मैडम देखो मैं ना ही PM और ना ही CM है, मैं एक उपभोक्ता, ठीक है ना, होर दसो। और मैं नहीं चाहता कि आम व्यक्ति नूं कोई परेशानी उठानी पवे। तुसी देखा होएगा किसानों ने रेलवे दे उत्ते धरने दिते, रेल ट्रैक जाम किते, लोगों नूं कितनी परेशानी हुई, ठीक है ना। जे सरकार वाजिब समझेगी तो MSP की गरंटी देगी और MSP लागू भी करेगी। सर सरकार तो जो 3 खेती कानून है उन्होंने भी वाजिब नहीं समझते, उन्होंने तो कहा कि भाई कितना कितने साढ़े कमी रहेगी कि आप किसान मना नहीं पाए, पर हूँ जो MSP की गल की जाए तो और भी तो उन्होंने कमी रहेगी, फिर कितने कितने अगे जाके भी रद्द कर सकते हैं, गरंटी दे सकते हैं? मैडम सच पुछो तो मैं मोदी सरकार जी के 3 जे किसान रद्द कानून रद्द किए हैं, जिन्हों किसान काला कानून कह रहे थे, बड़े धरने दे रहे थे, मैडम वो कितने ना कितने आम उपभोक्ता और थोड़े और साढ़े हकों के ही ने गे, ठीक है ना। ये सानू जी किसान जिनसा उगाते हैं कि सानू अच्छिया जिनसा ही मिलती, ठीक है ना मैडम। बल्कि किसान जेडे उन्होंने 3 कानून रद्द कराए ने गे, किसान अजकल की कर रहे हैं, ये कानून क्यों बने तो पता है? क्यों लॉकडाउन पंजाब ने कैप्टन सरकार लोगों कणक वंडी तो मैडम वो कणक कितों आई? लोगों ने कंप्लेन की कि कणक भुगी है, कणक खराब है। वो हाले कि कणक कोई 2 साल पुरानी नहीं सी मैडम, मार्च के उन्होंने किसानों को खरीदी सी, और उही कणक जो 2-3 महीने बाद सरकार लोगों पब्लिक दे फ्री वंडदी है। करोना के दौरान तो उपभोक्ता शिकायत करता कि कणक सानू खराब आई, और देने वाला कौन है मैडम? किसान ही तो है, ठीक है ना। किसान जां सरकार नू गंद मन देणगे, रिश्वत का सहारा लैके फूड अफसरां नू रिश्वत दे के घटिया कणक देणगे तो सरकार फिर लोगों के प्रति जवाबदेही नहीं बनती। मैं एक गल अपनी समझाना चाहता मैडम, किसान अजकल पहले वर्गा कोई सीधा साधा किसान नहीं हैगा, अजकल का किसान बड़ा चतुर हैगा। वो सरकार नू अपनी उही फसल वेचदा वा जिहड़ी उहदी घटिया हुंदी है मैडम, जिहड़ी फसल उहदी अच्छे लैवल दी हुंदी है वो मार्केट दे वधिया रेटां ते वेचदा, ठीक है ना। सरकार नू सिर्फ फूड अफसरां दे नाल मिल के वो माड़ी फसल ही देंदा वा, उत्थे वो पिटदा वा कि सरकार खरीदे, ठीक है ना। होर दसो, मैं गल जो भी करांगा मैडम सही करांगा, ठीक है ना। किसानां नू घर परत जाना चाहीदा है कि किसान जिहड़े अजकल भी सही नहीं हैगे, ते तुहाडा की कहना? देखो बेटा गल इह है,
कि जिस तरह भाई साहब ने कणक की गल की है, कणक किसानों वालों गंदी नहीं बेची जाती, ना गौरमेंट इन्नी गंदी कणक खरीदती है। ये कणक गौरमेंट के गोदामों के पां दस दस साल तक पई रही है, जिन्हें मीह पैंदा जिन्हों कीड़े खा जाते हैं, ये फिर जी नहीं विकती वह मिली भुगत अगे वंडी जाती है। अज भी डिपोते कणक वंडी जाती, सब कुछ होंगे, बट किसान ना तो गंदी कणक बेचता, किसान ने गंदी कणक कितों लियानी है, वो साफ कणक उगा साफ बेचता है। जी रही किसानों की गल, उपभोक्ता की गल, आम पब्लिक जोड़ा है ये टमाटर नाल महंगे होने का कोई संबंध नहीं है। पार्टी तो उपर उठ के सू सोचना चाहिए कि आम लोगों वास्ते कि चीज़ सही है, कि चीज़ गलत है। ये हर साल कभी टमाटर महंगे हो जाते हैं, कभी प्याज महंगे हो जाते हैं, कभी आलू महंगे हो जाते हैं, ये आम यद किसानों का कोई तलक नहीं है। किसान तो ची किसान तो रोंद जो तो चीज़ नहीं विकती, मंडिया सिड़द, उ किसान रोंद भी मैनू गड़ेमारी पी है, तो किसान औखा हों काम। सानू देश वास्ते खुली सोचना चाहिए कि अगर पहला भी इन्होंने कहा भी MSP असं लावे लागू करा, MSP तो लागू ही है, जे लागू ही है तो फिर कानून बना की इतराज है। जे MSP लागू है पहले कहते लागू है, तीन कानून की तो गल आई। चलो किसी ने एक कानून जिन्हों का एक काम है खेती का, साढ़ा असी खेती नहीं करते, जिन्हों एक कानून सही नहीं लगते वो तो ही रौला पाते। उत्थे 700 बंदा मर गया, वो कोई पागल थोड़े सी, ठीक है ना। आफ्टरऑल ये कहें थोड़े जे किसान से, थोड़े किसान नहीं सी। एक गलू छुपाया जा रहा है, पार्टी पक्ष में मुख राखी किया जाता है, हकीकत जाके उत्थे वेखो। सानू पिछे एक परसन मिले, वो कहें कि किसानों घरे परत जाना चाहिए कि सारा टाइम वेस्ट करते हैं, इस कुछ कहना चाहोगे इस बयान उत्ते? कौन बंदा अपने घर नहीं जाना चाहता, किसी का दिल करता ठंड च रहे, किसी का दिल करता गर्मी च रहे, किसी का दिल करता भी अपने घर महल छड़ के तपना के समय, उसकी कोई मजबूरी है? उसकी मजबूरी नहीं समझो, पब्लिक की मजबूरी नहीं गौरमेंट समझे ना, वो क्यों नहीं घर जाएंगे? जिहड़ी इत्थे ब्लैकमेलिंग हो रही है वड्डे लैवल ते, मिनिस्ट्री लैवल ते, सारियां ये गौरमेंट चोर रली हैं, अकाली BJP और कांग्रेस ये तीनों ही रले हुए ने, चोर ते कुत्ती रले हुए ने। तो हुण कहोगे किनू? UP तो लिया के मेरी किसानां नाल यारी दोस्ती वाकफ ने, UP तो लिया के जिहड़ी है झोना वो पंजाब वेचा जाता है, उत्थों 800 रुपये खरीद के इतने 1200-1500 बेचा जाता है, वो कमीशन गौरमेंट की भी होंगी है। ट्रक किमें ट्राले किमें वे वे भर के पंजाब जा जाते हैं UP तो हरियाणे तो, क्योंकि इतने MSP लागू है, उत्थे MSP नहीं लागू। इस वास्ते जिन्ना चिर गौरमेंट का मतलब की हुंदा, जिहड़ी एक एक मिनट का गौर करे, ध्यान रखे हर चीज़ का, वह होंगी गौरमेंट। इतने घंटिया बंदी गौर नहीं, महीनों बंदी गौर नहीं, सालों बंदी गौर नहीं। इस वास्ते ये मुल्क के हालात ठीक नहीं है। तुहानूं लगता है कि हुण किसानों MSP की गरंटी दे नाल ही वापस जाना चाहिए, इदां उन्हां नूं पिछे नहीं पैर मोड़ने चाहिए? गल कहना कि जे कोई बंदे की सैटिस्फैक्शन होंदी है तो घर नूं जाऊगा, जो तसली जिदा कारोबार है। तुसीं मैनूं मेरे कारोबार पुछोगे तो मैं सही दस सकदा, मैं किसान के कारोबार बारे सही किवें दस सकदा, ठीक है ना। किसान कोई दिक्कत आने की जे किसान दिल्ली के बॉर्डर ते बैठे? नहीं नहीं, सानूं तां उन्हां दा दुख है, दिक्कत कोई नहीं। सानूं उन्हां दा दुख है कि चाहे वो तुसी हो चाहे मैं हाँ चाहे कोई भी है, वो सड़क पर बैठा है तो उसकी कोई प्रॉब्लम है, खुशी नूं कोई नहीं बैठा। तो जिदा कि आपां लोगों के नाल भी गल की है, तो लोगों का कई इत्थे दो विचार देखने को मिले। एक जो विचार सीगे वो सीगा कि किसान जिहड़ा साडा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कि दिल्ली के बॉर्डर से बैठे ने तो लोगों बैठे इधर ही प्रॉब्लम हो रही है। तो दूसरे जिहड़े व्यक्ति सानू मिले उन्हां दा कहना सीगा कि किसानों उत्थे जिहड़े संघर्ष लड़ रहे हैं तो उन्होंने संघर्ष लड़ते रहना चाहिए, कि पता इत्थे भी उन्होंने जित मिल जाए MSP की गरंटी नूं लैके। तो हुण अपने भी जिहड़े विचार है जरूर साझा करो, तो सानू दसो कि ये दोनों लोगों के जिहड़े विचार सीगे इन्हां विचों किहड़े वल तुसीं जिहड़ा है ज़्यादा सहमति रखते हो, तो किहड़े वल घट सहमति रखते हो। तो होर नवीं अपडेट्स वास्ते जुड़े रहो द सिटी हैडलाइन। मैं हाँ दीप्ति, कैमरामैन सागर गाकर के नाल।